दशहरे का त्योहार शुरू हो गया है, त्योहारी सीजन कह लीजिए, और चिराग पासवान भी पटना के ही नहीं बिहार के तमाम दुर्गा पंडाल पूजा पंडालों का दौरा करेंगे माँ से आशीर्वाद लेकर। लेकिन कल जैसे ही चिराग पासवान पहुँचे पटना एयरपोर्ट पर, पत्रकार तो उनसे पूछी बैठे कि नीतीश कुमार जी ये सब क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश एक बड़े ही कन्फ्यूज्ड मुख्यमंत्री हैं, और ये सिर्फ चिराग ने ही नहीं कहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को भूलने की बीमारी हो गई है, या वो कुछ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन चिराग ने सीधा हमला बोल दिया, कहा कि नीतीश कुमार बड़े कन्फ्यूज्ड मुख्यमंत्री हैं, कुर्सी छोड़ें कि नहीं छोड़ें, इसका आशय यही था, कुर्सी छोड़ें कि नहीं छोड़ें, प्रधानमंत्री के बनने के लिए दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, तेजस्वी को कुर्सी सौंपे या नहीं सौंपे, तमाम बातें शायद उनके दिमाग में चल रही हैं, और इसीलिए चिराग पासवान ने कह दिया कि बड़े कन्फ्यूज्ड मुख्यमंत्री हैं। सुनवाते हैं चिराग पासवान को। भाई महा कन्फ्यूज्ड मुख्यमंत्री हैं हमारे, महा कन्फ्यूज्ड, जब इधर रहेंगे तो उधर ताकेंगे, उधर रहेंगे तो इधर ताकेंगे, इनका काम ही ये बन के रहेगा। भाई बिहार पे ध्यान दे दें मुख्यमंत्री, सिर्फ गठबंधन की ही चिंता इनको लगी रहती है। बताइए क्या समारोह चल रहा है, माँ महिम राष्ट्रपति महोदया वहाँ पे मौजूद हैं, और आप उनके समक्ष किस तरीके की आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, और आप अपनी कैसी छवि उनके समक्ष आप रख रहे हैं कि आप जिस गठबंधन में हैं, और ये इनका आज से थोड़ी भाई शुरू से रहा है, जब ये NDA में रहेंगे तो पैदल चल के चले जाएंगे लालू जी की इफ्तार में, जब ये लालू जी के यहाँ रहेंगे तो कभी इनको अटल जी याद आएंगे तो कभी कोई और नेता याद आएंगे, और अब तो खुले मन से ये बोल रहे हैं। तो ये दर्शाता है भैया कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से कंफ्यूज है, चिंता राष्ट्रीय जनता दल को होनी चाहिए, जिस गठबंधन में है उस गठबंधन को होनी चाहिए, और इससे इनके चरित्र की पहचान होती है। भाई हम तो बार बार बोले हैं, और इनके बारे में तो कहा जाता है, हम ही क्या बोले हैं, जो जो घटक दल इनके साथ हैं वो लोग भी बोले कि कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, जो अपने नेताओं के नहीं, एक के बाद एक जिन्होंने अपने ही नेताओं को, जौहर साहब के ज़माने से देख ली, एक के बाद एक जिन्होंने अपने नेताओं को हाशिए पर चढ़ाने का काम किया, दो दो बार जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया, ये जनादेश महागठबंधन के लिए था, NDA का जनादेश महागठबंधन के साथ सरकार चला रही, 15 में महागठबंधन का जनादेश NDA के साथ इन्होंने सरकार चला, तो भाई मुख्यमंत्री का चरित्र ये दर्शाता है, और ये मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अगली बार कोई भी इनको क्यों मतदान करेगा बताइए ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य समाप्त है, कोई क्यों वोट करेगा, आप जिनके साथ जिनका हाथ पकड़कर वोट मांगने जाएंगे अगले दिन आप बोलेंगे कि नहीं हमारा तो संबंध किसी दूसरे के साथ, तो बिहार की जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी, और यही कारण था जिनको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का नाम देते हैं, यही कारण था कि 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रहे, और इस बार देखिएगा 2024 हो या 2025 लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, शून्य पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी आउट होगी। तो सुना आपने, ये थे चिराग पासवान, कहा कि बड़े कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं। अब देखना ये है कि क्या जदयू के प्रवक्ता या नेता चिराग के इस हमले का किस तरीके से जवाब देते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।